नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। 16 अप्रैल रात 10 बजे से 25 अप्रैल तक संपूर्ण सीधी जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया है। कोविड 19 की महामारी से जिस तरह पूरा विश्व जूझ रहा है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जैसे स्थितियां रहेंगी तो लॉकडाउन घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है, उसका निर्णय खुद जिला कलेक्टर लेंगे। सीधी जिला पंचायत सभागार में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीधी जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह, जिला कलेक्टर रविन्द्र चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, उप पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले, सांसद रीति पाठक, क्षेत्रीय विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल, बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने जो निर्णय लिया, थोड़ा सा नीचे नीचे ये निर्णय की काफी शाम तक जारी हो जाएगी। जी जी, एक और पूरी जानकारी इस संबंध में आपके क्या समिति क्या निर्णय? देखिए, ये कोई कोरोना कर्फ्यू है। जी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से हम लोग कैसे निपटे, इस बीमारी से लोगों को कैसे साथ पहुंचा सकें, इसकी बैठक आज यहाँ पर रखी है। और उसमें हमने सीधी संभाग के, सीधी जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको आमंत्रित किया और आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। सर, कितने दिन का कर्फ्यू लगाया गया है? अभी जरूरत पड़ेगा, अभी 10 दिन का लगाया गया है और जरूरत पड़ेगा तो उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। शादी में हमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं? 50 लोग कम से कम शादी में, दोनों पक्ष से मिला के। हाँ, दोनों पक्ष। और क्या क्या छूट रहेगी सर? अब वहाँ पे जाएंगे, शादी जैसा होता वैसा शादी हो। सब्जी वाले, ठेले वाले क्या ये लगा सकते? सब्जी वाले जो थोक व्यापारी जहाँ पे निश्चित किया गया वहाँ वो लोग अपना सब्जी बेचेंगे, और जो रोडों में लगाते हैं वो ठेला में लेके घर घर तक। मेडिकल, इसी ढंग से व्यापारी लोग किराना का सामान अगर डिमांड आता है तो उनके घर तक पहुंचाएंगे। पैरा मेडिकल और डॉक्टर्स की कमी की बातें आपकी बैठक में सामने आई है, इस दिशा में आपके क्या प्रयास होंगे जिससे लोगों के साथ सुविधाएं मिल सके? देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने सीधी जिला के लिए 3 करोड़ रुपया दे दिया। जहाँ पे स्टाफ की कमी है वहाँ स्टाफ भर्ती करो, वार्ड बॉय नहीं है तो वहाँ करिए, कोरोना टाइम पे अगर डॉक्टर की आवश्यकता है तो डॉक्टर भी। सर, जिले में तो डॉक्टर है ही नहीं है, नर्सों के सहारे काम चल रहा है, कैसे कंट्रोल होगा? अभी जो जिला के आपके मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि सब अस्पतालों में डॉक्टर की व्यवस्था है। हमने ये भी कह दिया है कि अगर सब जगह है तो अच्छी बात है, और जहाँ कमी है तो वहाँ भर्ती कर सकते। सर, शादी ब्याह में 50 आदमी, आपके कार्यक्रमों में 200 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, कैसे चलेगा सर? इसका पालन जनता क्या देखे सर, क्या करे? आप सुन लो, अंदर उनके परिवार के 50 आदमी रहते हैं तो 50 आदमी हो गए, और 50 आदमी बाहर के आ जाए, अब वहाँ 200-300 आदमी। 100 आदमी की बात कर रहे हैं आप सर, अनुमति 50 आदमियों की है, दोनों पक्ष मिला के अंदर और 50 बाहर। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना, हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग, यादव धर्म, कांटा के पीछे, उतैली, सतना, मध्य प्रदेश।